हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए एक अपोजिट वर्ल्ड की वीडियो लेकर आया हूँ, जो नन्ना कवि द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। तो हमें वीडियो की शुरुआत करते हुए हमें इन वर्ड मीनिंगों को, अपोजिट वर्डों को पढ़ना है और इन्हें लर्न करना है, और इनका यूज़ कहाँ पर होता है उसे भी हमें समझते चलना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए नन्ना कवि जो हमारा यूट्यूब चैनल नेम है, इसे आपको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना है। आगे चलते हैं अपोजिट वर्ड। तो हम अपोजिट वर्ड की शुरुआत करते हुए जो पहला हमारा अपोजिट वर्ड है वो है अबोव। अबोव मीन्स ऊपर। हम इसकी हिंदी भी पढ़ते चलेंगे जिससे हमारे ये आसानी से याद हो सकें। तो पहला है अबोव। अबोव मीन्स ऊपर, बिलो। बिलो मीन्स होता है नीचे। अबोव ऊपर, बिलो नीचे। तो हमें पता चल, इसकी हिंदी याद रहेगी तो हम आराम से अपोजिट वर्ड याद कर सकते हैं। अवार। अवार का है लाइक। अवार मीन्स घृणा करना, लाइक मीन्स पसंद करना। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, रिजेक्ट मीन्स अस्वीकार करना। ऐसे ही हमें हिंदी पढ़ते हुए चलना है और इन्हें याद करते हुए। अलाइव। अलाइव का मतलब, अलाइव का है डेड। अलाइव मीन्स जीवित, डेड मीन्स मृत्यु या मरा हुआ। एनसाइंट। एनसाइट का, एनसाइंट जो एनसाइट होती है जो हमारी प्राचीन। मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स नवीन। अरेस्ट। अरेस्ट अरेस्ट का मीनिंग होता है पकड़ना। अरेस्ट मीन्स किसी चीज़ को पकड़ना। रिलीज मीन्स स्वतंत्र करना। जैसे अरेस्ट का मतलब एक तरह से अस्वतंत्र भी है, और रिलीज का मतलब है स्वतंत्र। अटैक। अटैक मीन्स आपको पता है आक्रमण। डिपेंड मीन्स रक्षा करना। अब एब्सेंस। एब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थित। प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है उपस्थित। अराइव। अराइव का मतलब है, हाँ, अराइव अराइव का मतलब है पहुंचना। डिपार्ट। डिपार्ट का जो हमारा मीनिंग है वो है जाना। अराइव। अराइव मीन्स पहुंचना, डिपार्ट मीन्स जाना। बिग। बिग का मतलब है बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। बिगनिंग। बिगेन का है एंड। बिगेन मीन्स प्रारंभ, एंड मीन्स बिगनिंग। बिगनिंग इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग यही है प्रारंभ, और एंड मीन्स अंत। ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या है हमारा? चमकीला। डल मीन्स भद्दा। बिलाइव। बिलाइव का है हमारा वी लाइव। गिलाई मिस होता है हमारा विश्वास। बिलाई मिस विश्वास। डिसबिलाइव का मतलब होता है अविश्वास। बेनिफिट। बेनिफिट मिस होता है हमारा लाभ। लाभ लॉस मिस हानि। बोल्ड। बोल्ड माने साहसी। टिमिड माने कायर। बोर्ड। बोर्ड मीन्स होता है हमारा, हाँ, बोर्ड माने होता है चौड़ा, और नैरो माने होता है पतला। चौड़ा या पतला, चौड़ा होता है बोर्ड माने और नैरो माने पतला। ब्रेवरी। ब्रेव मीन्स बहादुरता। कावर्डाइज कायरता। ब्रेवरी मीन्स बहादुर भी है, बहादुर, और कावर्डाइज मीन्स कायरता। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। सुंदर। अगली अगली मीन्स भद्दा। बून। बून माने वरदान। कज। कज माने होता है हमारा ये वरदान, और ये होता है अभिशाप। बेटर। बेटर मीन्स सब अधिक अच्छा। वर्स मीन्स अधिक बुरा। बिजी। बिजी मीन्स, हाँ, बिजी मिस होता है हमारा
फ्री बिजी और फ्री फ्रेमिस बिजी बिजी मिस होता है हमारा व्यस्त और फ्री फ्री मिस होता है हमारा आजाद बिजी मिस व्यस्त फ्री मिस आजाद क्लीन क्लीन का मतलब है साफ डर्टी डर्टी मिस गंदा क्लोज क्लोज का मीनिंग है हमारा बंद ओपन का मतलब है खोलना कूल कूल का मतलब है हमारा ये ठंडा हॉट मिस गर्म कंटिन्यू निरंतर डिसकंटिन्यू है हमारा डिसकंटिन्यू का जो हमारा मीनिंग है अनिरंतर अनिरंतर कॉन्फिडेंस विश्वास नॉन कॉन्फिडेंस अविश्वास सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड सिविलाइज्ड का हमारा मीनिंग है नागरिक और अनसिविलाइज्ड मीन्स नागरिक न होना सिविलाइज्ड मीन्स नागरिक अनसिविलाइज्ड में नागरिक न होना कावर्डाइज कायरता ब्रेवरी बहादुरी क्रूअल क्रूअल में निर्दयी काइंड में दयालु क्रूअल क्रूअल मिस होता है हमारा निर्दयी और काइंड में दयालु यूज ऑफ अपोजिट वर्ड इन ग्रामर ग्रामर में इन अपोजिट वर्डों का यूज किस प्रकार और कहां पर किया जाता है टू चेंज द असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज डबल नेगेटिव सो दैट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज नॉट चेंज्ड अब हिंदी में इसे पढ़ते हैं सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में परिवर्तन करने के लिए दोहरे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर ब्लॉम शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे हमने इसमें पढ़ा कि इसमें ब्लॉम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इससे ही रिलेटेड एक दो एग्जांपलों को हम देखेंगे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए सीता इज ए गुड गर्ल इसका हमें नेगेटिव बनाना है जिससे यह नेगेटिव भी बन जाए और हमारा इसका जो अर्थ है वो भी चेंज न हो जैसे सीता इज ए गुड गर्ल सीता एक अच्छी लड़की है इसका हमें नेगेटिव बनाना है डबल नेगेटिव सीता इज नॉट ए बैड गर्ल अब ये बना कैसे इसे समझना है सीता सीता आगे है इज नॉट नॉट हम नेगेटिव में लगाते हैं नेगेटिव में हम नॉट का यूज़ करते हैं आगे है गुड मैंने आपको बताया था इसमें ब्लॉम शब्दों का प्रयोग किया जाता है गुड का जो ब्लॉम शब्द है वो है बैड और गर्ल का गर्ल सीता इज नॉट बैड गर्ल इसकी हिंदी क्या बनी हमारी सीता एक बुरी लड़की नहीं है सीता एक बुरी लड़की नहीं है तो अर्थात कैसी है एक अच्छी लड़की है हमें भी क्या बनाना है सेंटेंस सीता एक अच्छी लड़की है तो इसे हम डबल नेगेटिव कहते हैं एक और एग्जांपल को देखते हैं राम इज ए फैट बॉय इसका भी हमें नेगेटिव बनाना है राम एक मोटा लड़का है राम इज नॉट नेगेटिव में हम नॉट का प्रयोग करते हैं ए थिन बॉय थिन मीन्स पतला राम एक पतला लड़का नहीं है जब पतला नहीं है तो कैसा है अर्थात एक मोटा लड़का है और हमें बनाना भी ये है यही है इसकी ऊपर वाले की जो इसका क्वेश्चन है उसकी मीनिंग क्या निकल रहा है राम एक मोटा लड़का है और इस सेंटेंस में भी यही कह रहा है कि राम एक मोटा लड़का है सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल इसका भी हमें नेगेटिव बनाना सीता एक सुंदर लड़की है सीता एक सुंदर लड़की है सीता इज नॉट एन अगली गर्ल नॉट नॉट हम नेगेटिव में लगाते हैं ब्यूटीफुल का जो हमारा अपोजिट वर्ड है वो है अगली तो हमारा जो इसकी हिंदी निकल गई वो है सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है जब सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है तो वह कैसी लड़की अर्थात एक सुंदर लड़की है और यही हमारे क्वेश्चन का मीनिंग है सीता एक सुंदर लड़की है तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल नेम
जो हमारा चैनल नेम है वो है नन्ना कभी, इसे आपको सब्सक्राइब करना है। और जो ये लाल बटन है इसे दबाकर आपको सब्सक्राइब करना है और एक बेल आइकन के निशान को भी आपको प्रेस करना है, ताकि आप हमारी वीडियो को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद।